हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हार्ट रूम एग्जाम का सिलेबस क्या है। बहुत से प्रिय मित्रों को ये नहीं पता होता कि सिलेबस में क्या आता है, वो अंधाधुंध एग्जाम की तैयारियाँ करने लग जाते हैं। जब तक आपको किसी रास्ते की कल्पना करके नहीं चलते, तब तक उस रास्ते पर आप सही तरीके से नहीं चल सकते। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सिलेबस देखना, एग्जाम क्वालिफाई करना, तो हमारे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। और सबसे पहले आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि नेटवर्क के कारण आपका नेट बंद हो जाए, आप वीडियो ऑफ हो जाए, ताकि फिर आपको वीडियो ढूंढने में आसानी रहे। दोस्तों, हम टॉपिक फोर डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बता रहे हैं, जो ऑनलाइन कंप्यूटराइज एग्जाम टेस्ट होता है। दोस्तों, आपको पहले बता देते हैं, ये 30 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 10 मार्क्स लेने होते हैं। और दोस्तों, ये 15 मिनट का एग्जाम होता है और 30 सेकंड एक प्रश्न के लिए आपको दी जाती है। और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। तो दोस्तों, देखिए टॉपिक क्या है। दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर हार्ट रूम एग्जाम के लिए कैसे करें तैयारी। दोस्तों, टॉपिक होता है, जो पहला है टॉपिक है हमारा एमएस ऑफिस का है। दोस्तों, एमएस ऑफिस में पता है आपको जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईटीसी आता है, आप इनकी फुल तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यह भी एक प्रश्न बन जाता है इसमें, एमएस ऑफिस की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, यह माइक्रोसॉफ्ट होता है। टॉपिक नंबर 2, दोस्तों, इंटरनेट एचटीएमएल डीएचटीएमएल होता है। दोस्तों, ये इंटरनेट से संबंधित होता है। दोस्तों, जो एचटीएमएल होता है, इसका हर बार हार्ट रूम एग्जाम पूछा जाता है। मैं लगातार 7 वर्षों से ये एग्जाम देता आ रहा हूँ, हर बार क्वालिफाई किया मैंने, तो इसमें ये प्रश्न बिल्कुल मिलेगा आपको एचटीएमएल वाला। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मैं जो क्वेश्चन लिस्ट डालूंगा उसमें डिटेल डाल दूंगा। तीसरा टॉपिक है दोस्तों, विंडो एंड कंप्यूटर फंडामेंटल। विंडो के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल जो क्वेश्चन होते हैं, वह टॉपिक 3 में आते हैं। और इसका आपको बहुत से प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। टॉपिक नंबर 4 दोस्तों, ये नेटवर्किंग का होता है। इसमें नेटवर्क से जैसे हमको ईमेल भेजते हैं, वो कैसे संपादित करनी होती है, उसको कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, और ये जो नेटवर्क है कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको बताना होता है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचा सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों, हम बहुत सारी वीडियो अपलोड करेंगे, डेली अपलोड करेंगे, आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।